हिंदी मात्र भाषा ही नहीं, अभिव्यक्त करने का एहसास है, इसलिए हर भारतीय के लिए यह खास है। हम सभी जानते हैं कि भारत विभिन्न भाषाओं का देश है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर नागालैंड तक देखा जाए तो यह विभिन्न भाषाएं भारत का गौरव बढ़ाती हैं। लेकिन जब भारत के एकता की बात आती है तो हर राज्य में बोली जाने वाली यह भाषा हिंदी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकता की मिसाल देती है। उल्लेखनीय है कि चीनी और अंग्रेजी भाषा के बाद हिंदी विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। 1949 में 14 सितंबर को देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को संविधान द्वारा आधिकारिक भाषा के रूप में अनुमोदित किया गया था। तब से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। राष्ट्रभाषा गौरव पुरस्कार और राष्ट्रभाषा कीर्ति पुरस्कार की घोषणा भी की जाती है। हिंदी का इतिहास कुछ दशकों में नहीं बल्कि हजारों वर्ष पुराना है। महात्मा गांधी जी ने हिंदी को जनमानस भाषा कहकर सम्मानित दर्जा दिया था। आज पश्चिमी परिवेश और भाषाओं का प्रभाव हमारी हिंदी भाषा में भी दिखाई पड़ता है। कुछ अंग्रेजी व अन्य शब्द हिंदी भाषा में सम्मिलित किए जा रहे हैं, जिससे हिंदी जैसी उच्च स्तर की भाषा दूषित होती प्रतीत होती है। हमें अपने देश की जनमानस भाषा हिंदी का यथायोग्य आदर करना चाहिए और हिंदी के प्रचलन में अधिक से अधिक योगदान देना चाहिए। आज हिंदी दिवस के मौके पर समस्त IMC परिवार बड़े ही गर्व के साथ आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता है और सभी भारतीय भाई बंधुओं से अनुरोध करता है कि आइए मिलकर शुद्ध हिंदी के प्रचलन में सहयोग दें, गर्व से हिंदी को आगे बढ़ाएं, आइए मिलकर हिंदी दिवस मनाएं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। गुड IMC। जिन लोगों ने IMC बिजनेस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया हमें सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।